Good morning, everyone. Respected Pawan sir and their team, and all respected present over here. I am Yogendra from Haryana district Sonipat. मैं पिछले 6 साल से रेसलिंग कर रहा हूँ. पवन जी ने साबित कर दिया है कि ऐसी कोई मंजिल नहीं जहाँ पहुँचने का रास्ता नहीं. मैं पवन जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इतने बड़े मंच पर मुझे बोलने का मौका दिया. थैंक यू. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अरुण यादव है. अभी मैं महाराष्ट्र मुंबई में रहता हूँ. वैसे मैं फ़िलहाल यूपी का हूँ. मेरी पैदाइश यूपी की है. मेरा पूरा परिवार मुंबई में रहता है. तो मुझे मैं मुंबई स्टंट टीम से भी हूँ और अपने बहुत सारे भाइयों के लिए कोऑर्डिनेटर जो भी जैसा रहता है, बहुत सारे मेरे ग्रुप में सब सारे लोग हैं. और हमको पहली बार तेलुगु फिल्म में पवन जी के साथ काम करने का मौका मिला. पहले हमको ऐसा लगा कि पवन जी बहुत नामी आदमी है, तो उनका कैसा रहेगा, स्वभाव कैसा रहेगा. जिस दिन से हमने पहले दिन आया पवन जी के साथ काम किया, मतलब हम लोग दंग रह गए. मतलब हम दूसरी पब्लिक से भी पूछे पवन जी के बारे में, तो मतलब उनके जैसा नेचर ना हमने कभी बॉलीवुड में देखा ना दूसरे हर लैंग्वेज की फिल्में. हमने हॉलीवुड में भी काम किया, हमने बॉलीवुड में भी काम किया, जितनी हिंदुस्तान में सारी लैंग्वेज में हम काम करते हैं. बट जो वर्करों के लिए और जो मेहनत कर रहे पवन जी, उनके लिए इतना ध्यान रखना, तो पवन जी ने अपनी वो भी बनाया है. तो अगर वो हमारे लोग के लिए इतना करना करते हैं, तो अगर वो देश में आएंगे तो ऑफ कोर्स देश के लिए बहुत अच्छा सोचेंगे, बहुत अच्छा करेंगे. ये मेरी लोगों से गुजारिश है, आप लोग भी देखिए, समझिए कि अच्छा आदमी कौन है. आप उनके बारे में जानिए पहले, और आप अपनी राय, अपनी जो भी मंशा है आप बता सकते हैं उनको. और वो हमारा एक्सपीरियंस हमारे पूरे ग्रुप का बहुत अच्छा लगा. हर आदमी पवन जी की तारीफ करते हुए थकता नहीं, चाहे वो स्टंट टीम से हो, पहलवान हो, जो भी हमारे मेंबर हो, कोई भी काम करने ले. तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं पवन जी के साथ काम करने का मुझे मौका मिला. थैंक यू सर. मैं रामेश्वर पहलवान, यूपी से, जिला आगरा. मेरा कुश्ती अखाड़ा है उधर, बजरंग अखाड़े के नाम से. सर, हम यहाँ पे पहली बार हमें शूटिंग में काम मिला इधर तेलुगु फिल्म में, तो हमें बहुत अच्छा लगा और बहुत अपने आप को गर्व महसूस कर रहे हैं हम लोग. पवन कल्याण जी के साथ जो हमें काम करने का मौका मिला, हमें भी ऐसा लगा था शायद सर थोड़ा बड़े आदमी हैं तो बात नहीं करेंगे, या बड़े स्टार हैं इसलिए बात नहीं करेंगे. लेकिन उन्होंने हमारे साथ सेट पे भी अच्छे से फोटो सेशन किया, अच्छे से हमसे बात की, बार बार पूछते रहे कैसा लग रहा है आपको और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. बाकी हमारे जितने भी फाइटर हैं और हमारे रेसलर हैं, हरियाणा से भी हैं हमारे भाई, हमको सबको बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके. और हमको स्पेशल उन्होंने बुलाया और बोला कि आपसे सेट पर सारी बातें नहीं हो पाएंगी, इसलिए यहाँ पर उन्होंने बोलने का और अपने आपस में हमसे अपना परिचय कराने का मौका दिया. और यहाँ पर भी लोगों में काफ़ी लोकप्रिय हैं वो. हम यहाँ पर पूछते हैं पवन कल्याण जी कैसे, तो कोई भी मतलब तारीफ करने से पीछे नहीं हटता, बहुत तारीफ करते हैं लोग. आम लोगों में भी उनकी आवाज़ है, आम लोगों में भी उनका चर्चा ज़्यादा है. और जैसा कि बाय नेचर हैं, तो आप अपनी समझ से एक बार उनको मौका देके देखिए. ऐसा आदमी अब आपके लिए एक लोकल किसी के लिए कर सकता है, तो सर देश के लिए तो बहुत कुछ कर सकता है. तो इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आप सोच समझ के जो भी विचार करें एक बार पवन कल्याण जी के लिए सोचें. धन्यवाद. नमस्कार दोस्तों, ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग. पवन जी के साथ काम करके अच्छा लगा. मेरा नाम गोविंदा है और मैं हरियाणा से हूँ, रेसलर हूँ. और मैं पहली बार इधर फिल्मों में काम करने के लिए मेरे को मौका मिला है, और धन्यवाद करता हूँ मैं अरुण भाई का और पवन जी का कि ये मौका मुझे मिला. थैंक यू सो मच. हेलो, मेरा नाम राजू पहलवान है, मैं हरियाणा से हूँ, जिला झज्जर से हूँ. और यहाँ मैंने कम से कम 6-7 मूवी की हैं, लेकिन एक सुल्तान की है, 2-4 और की हैं, लेकिन सबसे अच्छा ये मूवी में लगा है मुझे. कल्याण भाई जी की मूवी में देखी है, पहले भी देखी, बहुत अच्छी है. और ये काम करके और भी अच्छा लगा है. और नेचर वाइज ये बहुत ही गुड आदमी है, एक नंबर के रियल है. हम तो देखते थे पहले हीरो है, पता नहीं कैसे होंगे कैसे होंगे, लेकिन मिलकर बहुत ही अच्छा लगा, बहुत नेचर में भी बहुत ही अच्छा. थैंक यू. मेरा नाम नवीन है, मैं हरियाणा से झज्जर डिस्ट्रिक्ट से हूँ. मेरा गाँव सूरा गाँव है और मैंने फर्स्ट टाइम मूवी की है पवन जी के साथ. और इनके साथ मूवी, सर के साथ मूवी करके
हमें बहुत ही नेचर वाइज भी बहुत अच्छे हैं, और मैंने फर्स्ट टाइम मूवी की है, पर और जितने भी हीरो स्टार हैं सबसे सॉलिड आदमी ही है। थैंक यू सो मच। हेलो, मेरा नाम कुशल गुरुंग है, मैं बिलोंग करता हूँ वेस्ट बंगाल जलपाईगुड़ी से। तो मैं मुंबई में एक्टर हूँ और स्टंट में भी काम करता हूँ। तो ये तेलुगु मूवी में मतलब फ़र्स्ट टाइम था जो मैं यहाँ पे आया हूँ काम करने के लिए, और मैंने बचपन से ही पवन कल्याण जी के बहुत सारी मूवीज़ देखी है, और मुझे मतलब बहुत मेरे फेवरेट हीरो भी हैं यहाँ के। तो मैं थोड़ा मतलब सरप्राइज था जब सेट पे गया कि पवन कल्याण जी इतने बड़े हीरो हैं। तो मैंने सोचा कि कैसे हमसे बात करेंगे कि नहीं बात करेंगे, हमारे साथ मतलब जो भी इंटरेक्शन होगा कि नहीं होगा। लेकिन सेट पे जाने के बाद मतलब उन्होंने हम सब के पास आके जो भी हमारे पहलवान भाई है जो स्टंट टीम से है हमारे साथ बात की, हमें नमस्कार तक किया खुद आके पहले, और शॉट के बाद जो भी हमारा पैकअप हुआ था उन्होंने खुद आके बोला कि आप लोग अगर फ़ोटो लेना चाहते हो हमारे वैन में आ जाओ पीछे से। तो हम लोग सब गए, तो वो बहुत ही मुझे अच्छा लगा कि इतने बड़े आदमी होने के बाद भी खुद हमारे सामने आके खुद हमें मतलब सेट पे नमस्कार कर रहे और बोल रहे कि फ़ोटो लेना तो फ़ोटो आ जाओ। मैं बॉलीवुड मूवी हॉलीवुड मूवी में सब में काम कर चुका हूँ, फिर भी मतलब जितने भी बड़े बड़े हीरोज़ हीरोइन के साथ काम कर चुका हूँ किसी ने भी आज तक ऐसा नहीं बोला था। तो यहाँ पर आके बहुत ही अच्छा लगा हमें, और उनके साथ काम करने के बाद तो ये एहसास हुआ कि वो बहुत ही हार्ड वर्किंग एक पर्सन है, और ऐसे वो मतलब वो इतने बड़े आदमी नहीं है, और यहाँ पे तेलुगु इंडस्ट्री में बहुत ही मतलब टॉप में हीरो है वो, और यहाँ पे बहुत जनता है जो है तेलुगु में, यहाँ पे हैदराबाद में जितने भी जनता हैं बहुत मतलब उनके बीच में लोकप्रिय है। तो आज मुझे पता चल रहा है कि क्यों लोकप्रिय है। और उन्होंने ये भी बोला कल पैकअप के बाद भी कि यहाँ पे सेट पे बात नहीं हो पाएगी, तो उन्होंने हमें यहाँ पे आज निमंत्रण दिया कि यहाँ पे ये दूसरे कोई लोकेशन है, लोकेशन का नाम तो मुझे पता नहीं सॉरी, तो उन्होंने बोला कि यहाँ आ जाओ हम आपको ये सब सम्मानित करेंगे। तो उन्होंने ये जैसे कि आप देख सकते कि हमें ये दिया, शॉल दिया और ये मूर्ति भी दी एज अ टोकन। तो ये देख के मैं बहुत खुश हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग सोच समझ के जो भी है देखिए, ये इनकी जो पार्टी है जनसेना पार्टी, उनको सपोर्ट कीजिए। तो यही निमंत्रण करता हूँ सबसे, धन्यवाद। गुड मॉर्निंग आप सभी को, मेरा नाम अजय है, मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, मैं लीलो अखाड़ा लाडपुर में रेसलिंग करता हूँ, मैं 9 साल से रेसलिंग कर रहा हूँ। मैं मुझे यहाँ पे आकर बहुत अच्छा लग रहा है, जो पवन कल्याण सर जी हैं उन्होंने हमें इतनी रिस्पेक्ट दी, इतने बड़े आदमी होने के बाद भी। हम तब शूट करते हैं तब गर्मी इतनी होती है, वो हमारे साथ खड़े होते कि पहलवानों को कोई प्रॉब्लम है तो हमें बताओ, हमारे बीच में आके पूछते हैं, बीच बीच में आके हमारे पास बैठते हैं कि कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा, वो इतने अच्छे आदमी हैं, आप उनसे एक बार ज़रूर उनके बारे में सोचो और उनको देश में लाने का काम करो, उनको भारी मतों और वोटों से जिताओ। जनसेना पार्टी की जय। हाँ जी नमस्कार सभी को, मैं सोनीपत हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, मैं 5 साल हो गए मुझे रेसलिंग करते, पवन जी ने इतना बड़ा मौका दिया मूवी में मुझे काम करने के लिए, तो मैं उनके तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। थैंक यू। बजरंग अखाड़ा जिला हाथरस, मैं पवन सर को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमें मौका दिया यहाँ आने का, और उनसे मिल के हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई, और हमारी पूरी टीम अच्छे बहुत मन से काम किया हमारी पूरी टीम ने, मैं सभी भाइयों को धन्यवाद देता हूँ। मैं ब्रजेश पहलवान यूपी आगरा से, हम पहली बार इस मूवी में यहाँ इस क्षेत्र में काम करने आए हैं, वो हमें नहीं मालूम था कि ये इतने अच्छे इंसान हैं, हमें इनसे मिलकर इतना अच्छा लगा कि हम बस कुछ कह नहीं सकते, बस धन्यवाद। हेलो नमस्कार, मेरा नाम नरेंद्र है, मैं रहने वाला हैदराबाद का हूँ तेलंगाना स्टेट का, और मैं हरियाणा में प्रैक्टिस करता हूँ, मैं अजय भाई के साथ में एक 3-4 साल से उनके साथ ही हूँ, रहने वाला मैं हैदराबाद का हूँ, प्रैक्टिस वहाँ से करता हूँ, कंपटीशन वगैरह कुछ आए तो रिटर्न में हैदराबाद आता हूँ, फिर यहाँ से मैं क्वालिफाइड करता हूँ। पवन सर के मूवी में काम करके बड़ा अच्छा लगा मुझे, एक्चुअली नैन तेलुगु वाले नेमडेड इकड़ा हैदराबाद दुलपेटलो, नेनु लाला तालीम दुलपेटलो प्राक्टिस चेस्तानु, गच्चिबौली स्टेडियम नुंचि कूडा प्राक्टिस चेस्तानु, 2 ఏళ్ల నుంచి నేను కాంపిటీషన్ ఆడతాను, నేను ఒక ఫిట్నెస్ ట్రైనర్ కూడా, నా పార్ట్ టైం జాబ్ ఫిట్నెస్ చేశాను, నేను ఒక షూటింగ్ కూడా ఇచ్చాను, పైల్వాన్ మూవీలో కూడా నేను షూటింగ్ చేశాను నేను, ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఈ షూట్లో కూడా నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది. థ్యాంక్ యూ పవన్ కళ్యాణ్ సార్. గుడ్ మార్నింగ్ జీ, మే పరవీన్ పైల్వాన్ హర్యానా సోనీపత్ సే, మే లీలో అఖాడా లాడపూర్ మే ప్రాక్టీస్ కర్తా హూ, ఔర్ మేరే కో మౌకా మిలా పవన్ జీ సర్ కే సాథ్ మూవీ మే కామ్ కర్నే కే లియే, మే ఉస్కా భారీ హూ, బహుత్ బహుత్ దిల్ సే ధన్యవాద్ కర్నా చాహతా హూ. మేరా నామ్ ఎన్ శివ్ సింగ్ పైల్వాన్ హై,
मैं हैदराबाद से बिलोंग करता हूँ और मैं पिछले 3 साल से हरियाणा में प्रैक्टिस करता हूँ और पिछले 8 दिन से हम लोग पवन जी की मूवी में काम कर रहे थे और आज हमें हमारे को सम्मान किया है पवन जी ने और उसी के दौरान हमें और ये मूर्ति भी दी गई है हनुमान जी की और अभी पवन जी के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा है हमें। थैंक यू सो मच। ఏంటండి వీడియో నచ్చిందా? అయితే ఓ లైక్ వేసుకోండి, లేదంటే ఓ కామెంట్ చేయండి. ఎప్పటికప్పుడు మా వీడియోస్ చూడాలంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.